सो है गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन शॉर्ट एप्लीकेशन से कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी वाटर मार्क नहीं है और कोई भी चीज़ों की आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इन शॉर्ट एप्लीकेशन से आप अपना जो वीडियो है वो एडिट कर सकते हैं। इन शॉर्ट एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसान तरीक़ों से अपना जो है वीडियो एडिट कर सकते हैं और इसमें कोई भी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए, हम लेट ना करते हुए और आपको बताते हैं कि इनशॉट एप्लीकेशन क्या है, उसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए ऑन लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए हम यहाँ पर देखिए, एक स्क्रीन चल रहा होगा तो उस स्क्रीन को आपको ओपन करना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, यानी कि अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे डालेंगे इनशॉट एप्लीकेशन, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको वीडियो एडिट करना है। तो इसके बारे में आपको दोस्तों बताऊंगा, सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, वीडियो एडिट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप टूल्स समझ लेंगे, उसके बारे में समझ लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमारा जो वीडियो है एडिट किया जाएगा। तो वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा एक मतलब वीडियो लेने का। अब चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक वीडियो ले ही लेता हूँ, कोई एक वीडियो जो भी है 3 से 4 मिनट का, ये वीडियो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे, मैं देख सकता दिखा देता हूँ, ये वीडियो मैंने ले लिया। अब इसके बाद इस वीडियो को लेने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सारे जितने भी टूल्स देखने को मिल रहे हैं वो सब सारे टूल्स यहाँ पर आपको आ जाएंगे। कैनवास का मतलब होता है इसमें, जब कैनवास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा 16:9 रेशियो का और इसके बाद में 9:16 रेशियो का। ये जो होता है यूट्यूब का, टिकटॉक का या फिर फेसबुक का, जो भी है वीडियो से इसमें रेशियो बना सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर बात आती है फिर आइडियोज का, आप जैसे अपना कोई भी वीडियो बना रहे हो उसमें आप आइडियोज अपना सेट कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पर स्टिकर्स का, फिर टैग्स का, इफेक्ट मतलब कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके बाद फिल्टर की बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना अगर कोई भी वीडियोस अगर थोड़ा और भी अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, और भी अच्छे से बनाना चाह रहे हैं, तो वो फिल्टर लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पी आई पी पे का मतलब ये होता है कि उस पर जब आप क्लिक करते हो तो कोई और नया चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे फोटो होगा या फिर वीडियोज होगा, तो वो चीज़ें आप पी आई पी पे क्लिक करके ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं हमारा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि बीच से हम कट कर देंगे, कोई भी वीडियो का बीच का पार्ट हम कट कर देंगे, तो उसके बाद हम वहाँ पर आराम से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है डिलीट, फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसका जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर आते हैं दोस्तों एनिमेशन और स्पीड और बैकग्राउंड। तो ये तीन चीज़ क्या होता है, बैकग्राउंड का मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड है, बट ये मैं चेंज करके आपको दूसरा दिखा दूंगा, तो वहाँ पर आपको ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन है, क्रॉप है, फिर स्विच है, मतलब आप उसको इधर से उधर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और कटआउट, कटआउट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ें अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उससे आप कटआउट में कर सकते हैं। मास्क हो गया, सिटी हो गया, इसके बाद रिप्लेस हो गया, वॉइस इफेक्ट हो गया, डुप्लीकेट का मतलब वही चीज़ आप डुप्लीकेट कर सकते हो, फिर इसके बाद रोटेट हो गया, फ्रीज एंड रिवर्सेज हो गया। तो ये सब सारे चीज़ के ये टूल्स थे और एक इशिया है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे की फ्रेम का यूज़ किया जाता है, जैसे आपका जो वीडियोज है इधर से उधर जो जाता है वो की फ्रेम का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है ना, आप सारे टूल्स को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपना वीडियो एडिट करना इनशॉट एप्लीकेशन से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।